डियर स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 6, मेजर लैंडफॉर्म ऑफ द अर्थ, यानी पृथ्वी का मुख्य जो स्थल कृतियां कौन कौन सी हैं, प्रमुख जो स्थल कृतियां हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम आपका यहाँ पे इंट्रोडक्शन देना चाहते हैं। यू मस्ट हैव सीन सम ऑफ द लैंडफॉर्म फीचर एज फ्लैट, सम आर माउंटेन्स पीक लाइक एंड सम आर डेजर्ट एरिया, यानी पर्वत, रेगिस्तान, पठार और कुछ जो मैदानी क्षेत्र है, यानी अलग अलग स्थलकृतियां हैं। द अर्थ हैज एन इनफिनाइट वेराइटी ऑफ लैंडफॉर्म, सम पार्ट ऑफ द लिथोस्फीयर मे बी रब्ड एंड सम फ्लैट, यानी लिथोस्फीयर, एटमोस्फीयर, बायोस्फीयर, ये अलग अलग स्फीयर है। इसमें अगर लिथोस्फीयर की बात की जाए स्थल मंडल की, तो स्थल मंडल में क्या होता है कि यहाँ पे भूमि की बनावट एक जैसी नहीं है, कुछ भूमि ऐसी है जो ऊपर खाबर है, उतार चढ़ाव है, कुछ पठारी है, कुछ कंकर पत्थर वाले जमीन है, कुछ जमीन ऐसी है जो बिल्कुल मैदानी है, उसमें अच्छी सॉइल बेस्ट पार्टिकल्स मिलते हैं। अब यहाँ पे ये चीज है कि लैंडफॉर्म आर रिजल्ट ऑफ टू प्रोसेस, यानी इसकी दो प्रक्रिया है इसकी बनावट की। विद इन द अर्थ कंटिन्यूअस मूवमेंट इज टेकिंग प्लेस, यानी पृथ्वी के अंदर कई सारी हलचलें होती हैं, आंतरिक हलचलें, मूवमेंट होते हैं, जिसे हम इंटरनल प्रोसेस कहते हैं, जिससे कि जो है अपलिफ्टमेंट होता है कुछ पार्ट का पृथ्वी के ऊपर, और कुछ जो है सिंकिंग, यानी कि नीचे की तरफ, पृथ्वी के नीचे बहुत कई फीट नीचे गहराई में, खाई में कुछ बनावट होती है। तो इंटरनल प्रोसेस में जो है द फर्स्ट और द इंटरनल प्रोसेस लीड्स टू द अपलिफ्टमेंट एंड सिंकिंग ऑफ द अर्थ सरफेस एट सेवरल प्लेसेस, यानी कि उतार और चढ़ाव, यानी कि यहाँ पे अपलिफ्टमेंट मतलब ऊपर उठना और यहाँ पे जो है सिंकिंग यानी कि नीचे की तरफ जाना, ये इंटरनल प्रोसेस के थ्रू होते हैं। दूसरा है एक्सटर्नल प्रोसेस, इट इज द कंटिन्यूअस वीरिंग डाउन रीबिल्डिंग ऑफ लैंड सरफेस, यानी कि इसमें हमेशा मिट्टी का पुनर्निर्माण होता है, फिर से बनावट होती है, ठीक है। इसका बेस्ट एग्जांपल है इरोजन एंड डिपोजिशन। इरोजन का मतलब है अपरदन और डिपोजिशन का मतलब है जमाव। जब बहती हुई नदी जो है अपने साथ सेडिमेंट, मिट्टी, कंकड़ पत्थर लेकर आती है और वह मैदानी क्षेत्रों में जब पहुंचती है, तो वह एक चादर की तरह, एक जो है ब्लैंकेट की तरह, कंबल की तरह एक जो है बिछा देती है, ठीक है, लेयर सॉइल की, जिसे हम जो है डिपोजिशन कहते हैं। लेकिन जब वो नदियां अपने साथ पहाड़ी क्षेत्र से उतरती है तो जो मिट्टी का कटाव करती है उसे हम कहेंगे इरोजन। तो यहाँ पे जो है इरोजन एंड डिपोजिशन टू पार्ट है एक्सटर्नल प्रोसेस के। अब हम आते हैं पहला माउंटेन्स, तो फर्स्ट पार्ट है माउंटेन्स, पर्वत। माउंटेन इज एनी नेचुरल एलिवेशन ऑफ द अर्थ सरफेस, ये इसकी डेफिनेशन है, यानी कि जो पृथ्वी का जो कोई प्राकृतिक जो एलिवेशन होता है, जो उसका जो है ऊंचाई वाला, तो उसे हम माउंटेन कहते हैं। द माउंटेन हैव स्मॉल समिट एंड ब्रॉड बेस, इट इज कंसिडरेबली हायर देन द सराउंडिंग एरिया, यानी अपने आस पास का जो सराउंडिंग एरिया है उससे ये ऊंचा होता है। सब माउंटेन्स आर इवन हायर देन क्लाउड, कुछ माउंटेन्स, कुछ पर्वत ऐसी होती हैं जो बादलों से भी बहुत ऊंचे होते हैं, ठीक है। और एज यू गो हायर द क्लाइमेट बिकम कोल्डर, और जैसे जैसे पर्वतीय क्षेत्र में आप ऊंचाई की तरफ जाएंगे तो क्लाइमेट चेंज हो जाएगा, ठंड बढ़ती जाएगी, क्योंकि वहां पर टेम्परेचर बहुत ही कम होता है, ऑक्सीजन की कमी होती है। इन सम माउंटेन देयर आर परमानेंटली फ्रोजन रिवर्स ऑफ आइस, कुछ माउंटेन्स ऐसे होते हैं जहां पर जो है बर्फ से ढके रहते हैं, ठीक है, दे आर कॉल्ड ग्लेशियर, जिसे हम ग्लेशियर कहते हैं, और यही कारण है कि टेम्परेचर जो है वहां पर बहुत ही कम होता है। अब यहाँ पे देखेंगे माउंटेन रेंज, तो अलग अलग देशों में अलग अलग माउंटेन रेंज है, ठीक है, अलग अलग पर्वत श्रेणियां हैं। जैसे कि अगर देखा जाए एशिया में तो हिमालय, ठीक है, हिमालय में माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, ठीक है, धौलागिरी, आपका जो है लोहत से, ये सब जो है कराकोरम, ये सब जो है टोटल हिमालय क्षेत्र में आ जाएंगे।
और आल्प्स एंड एंडीज माउंटेन रेंज ऑफ एशिया, और एशिया में कुछ अन्य पर्वत के नाम है आल्प्स की पहाड़ियां और एंडीज की, यूरोप एंड साउथ अमेरिका इज रिस्पेक्टली माउंटेन वेरी हायर हाइट, यानी कि यहाँ पे पर्वतों की जो ऊंचाई है बहुत ही ज्यादा है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको जो है इसके बारे में डिटेल में प्लेन और प्लेटू और प्लेन के बारे में बताएंगे। थैंक यू।